हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अगर हमारे पास दो या दो से अधिक सेट हैं तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड आउट की जाती है और उससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए सेट है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था अगर इस ब्रैकेट में क्लोज हो तो उसको क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास बी सेट है। अगर मैं आपसे पूछूँ सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है। ऐसे सेट बी में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। ठीक है, मुझे इसकी फाइंड आउट करनी है ए क्रॉस बी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाँ जी, ए सेट है और बी ए सेट है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो एक सेट ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ए क्रॉस बी, ठीक है, तो ये सेट का साइन है, ये सेट की ब्रैकेट होती है। ठीक है, हाँ जी, अगर मुझे ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, एक एलिमेंट आगे रखोगे। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक एलिमेंट का फर्स्ट है 1 है, एक है फर्स्ट एलिमेंट क्या 1 है। हाँ जी, पहले 1 की इनके साथ करेंगे, फिर उसके बाद 2 की, फिर 3 की। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए क्रॉस बी है तो एक एलिमेंट आगे रहेंगे। 1 को लेते हैं, 1 ऐसे करेंगे, 1 4, ठीक है दोस्तों, कोमा 1 5 1 5। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 2 2 4, हाँ जी 2 5। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 3 4 और बीच में कोमा है 3 5। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपके पास ए क्रॉस बी। ठीक है, ऐसी बी क्रॉस ए भी पूछा जा सकता है आपसे। बी क्रॉस ए क्या, बड़ा ही जी है। अब बी को आगे रखना है आपको, बी को आगे रखना है और ए को पीछे रखना है। हाँ जी, बी बी का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 4 4 1 4 2 4 2। ठीक है दोस्तों, 4 3। ठीक, अब 5 को 5 1 5 2 और 5 3। ठीक है दोस्तों, ये आ गया बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी अलग आया आपके पास और बी क्रॉस ए आपके पास अलग आया। अगर मैं आपसे पूछूं ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, काउंट करें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। ऐसे बी क्रॉस ए में कितने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, ये मैंने ए क्रॉस बी जब फाइंड आउट किया उसके बाद काउंट किए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं बिना फाइंड आउट किए ए क्रॉस बी, बताओ भी ए, जब मैं ए क्रॉस बी फाइंड आउट करूंगा तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाँ जी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए होते हैं मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, कैसे, इसमें कितने एलिमेंट थे, 3, और इसमें एलिमेंट कितने थे, 2 3 2 6। आप देख लो ए क्रॉस बी में भी कितने एलिमेंट आए, 6। ठीक है दोस्तों, मैं बिना फाइंड आउट करे भी बता सकता हूँ भी ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, इफ ए ए सेट ये देखा है, मुझे फाइंड आउट करना ए क्रॉस ए, यानी कि ए की ए के साथ ही मल्टीप्लाई करनी। अगर मैं आपसे पूछूं ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे तो कैसे करेंगे, हाँ जी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं मेरे पास, 2 2 है इसमें। ऐसी ए की ए के साथ करनी है तो दूसरे ए में भी कितने हैं, 2 ही हैं, इसमें भी 2 ही हैं। हाँ जी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा, सिंपली 2 क्रॉस 2 कर दो, कितने आएंगे, 4 एलिमेंट आएंगे अगर मैं ए क्रॉस ए फाइंड आउट करूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन करते हैं। मुझे फाइंड आउट करना है ए क्रॉस ए, यानी कि ए की ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ए को यहाँ लिख लेते हैं 1 और -1, ए को दोबारा लिख लें। ठीक है दोस्तों, 1 और -1। ठीक है दोस्तों, ए की ए के साथ मल्टीप्लाई करनी है, आइए करते हैं। हाँ जी, पहले ए का 1 एलिमेंट लेते हैं, 1 की 1 के साथ 1 1, कोमा 1 की -1 के साथ। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, -1 की, अब इसकी तो होगी, अब इसकी -1 की 1 के साथ। ठीक है, और -1 की -1 के साथ। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपके पास ए क्रॉस ए, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 1 2 3 4। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए फाइंड ए क्रॉस ए तो इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हाँ जी, मैंने ए क्रॉस ए निकाल दिया। ठीक है, अब इसकी ए के साथ मल्टीप्लाई कर दी, ए क्रॉस ए ये आ गया। ठीक है दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, ए के साथ करनी है, ए यहाँ लिख देता हूँ 1 और -1। तो कैसे करेंगे, हाँ जी, मुझे फाइंड आउट करना है ए क्रॉस ए। ठीक है, आप क्या कीजिए, हाँ जी, 1 1 की पहले 1 के साथ करेंगे, हाँ जी 1 1 और 1 1 1 और 1। ठीक है दोस्तों, फिर 1 1 की -1 के साथ 1 1 और -1। ठीक है, इसकी होगी इन दोनों के साथ, अब इसकी इसके साथ, हाँ जी 1 -1 1। ठीक है दोस्तों, अब इसकी इसके साथ
वन माइनस वन माइनस वन। अब इसकी इसके साथ माइनस वन और वन, ठीक है दोस्तों। अब इसकी इसके साथ माइनस वन, वन और माइनस। अब ये रह गया, बस इसकी लास्ट कर देते हैं, माइनस वन और वन, ठीक है, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ठीक है दोस्तों। ये आ गया ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो कितने एलिमेंट है इसके अंदर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। आप देख लें इसके अंदर कितने एलिमेंट है, एक दो तीन चार, चार इसके अंदर है और दो इसके अंदर है, चार दूनी आठ, तो आठ ही एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस ए क्रॉस। तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी में दो सेट हैं, गिवन इन सच ए वे, किस तरह से दिए गए हैं। अगर मैं कह रहा ए क्रॉस बी निकालता हूँ, ए क्रॉस बी यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कितने एलिमेंट आते हैं मेरे पास, छः एलिमेंट आते हैं, ठीक है दोस्तों। इफ़ थ्री एलिमेंट ऑफ ए, जब मैं ए क्रॉस बी निकाल लूँगा, यानी कि दो सेट हैं उनकी, ए क्रॉस बी निकाल लूँगा, उसमें टोटल छः एलिमेंट आएंगे, जिसमें से तीन एलिमेंट यहाँ मैं लिख लेता हूँ, तीन एलिमेंट मुझे ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है, वन थ्री टू फाइव और थ्री थ्री, ठीक है दोस्तों। तीन और आएंगे मेरे पास एलिमेंट, ठीक है। एक तो मुझे वो तीन एलिमेंट बताने हैं कौन कौन से हैं, और एक मुझे बताना है सेट ए क्या था मेरे पास जिसकी मल्टीप्लाई की थी, और सेट बी क्या था मेरे पास। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हाँ जी, हमने क्या फाइंड आउट किया, ए क्रॉस बी उन्होंने दे रखा है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया होगा, नॉर्मल सी बात है, उसमें ए आगे रहा होगा हमेशा, ए आगे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। ये तीन जो मुझे एलिमेंट दे रखे हैं क्रॉस बी के, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है ये तो एक रहे होंगे, तो यानी कि ये वन और टू, ये थ्री, ये ए में है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ए को आगे रखा होगा तभी ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया होगा, ठीक है। सेम उसके बाद बी फाइंड आउट करना है मुझे। अब बी में कितने एलिमेंट होंगे, बी में नॉर्मल सी बात है, जो पीछे वाले एलिमेंट वो बी के रहे होंगे, बी के क्या क्या एलिमेंट होंगे, तीन और पाँच, क्योंकि तीन दो बार है, तीन और पाँच, दो एलिमेंट रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये ए सेट रहा होगा मेरे पास, और ये बी सेट रहा होगा, तभी तो इनकी मल्टीप्लाई करके देखो आप, इसके अंदर तीन है और इसके अंदर दो है, तीन दूनी छः, तभी तो छः एलिमेंट बने एक रोज बी में, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब मेरे पास क्या रह गया, इसके रिमेनिंग एलिमेंट तीन कौन कौन से रह गए, हाँ जी, आइए फाइंड आउट कर देते हैं। अगर एक ही तीन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, एक तीन वो तो है, एक की पाँच के साथ ये रह गया, एक तो रह गया मेरे पास एक पाँच, ठीक, और क्या रह गया, दो की तीन के साथ, दो तीन है इसमें, नहीं है, दो और तीन एक ही रह गया था, ठीक है दोस्तों। दो पाँच है इसमें, तीन तीन भी है और एक रह गया था तीन पाँच, ठीक। तो ये आ गया मेरे पास ए क्रॉस बी आ गया, और ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा, ठीक है दोस्तों। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर ए क्रॉस बी है तो एक एलिमेंट पहले रहे होंगे, एक एलिमेंट पहले ये और ये और ये एक एलिमेंट है, और बी के एलिमेंट पीछे वाले रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, ए कोई मेरे पास सेट है, ठीक है दोस्तों, ए कोई सेट है, मुझे नहीं पता इसमें कितने एलिमेंट है और किस तरह के एलिमेंट है, पर ये मुझे पता जब मैं इसकी इसी के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने एलिमेंट आते हैं, नौ एलिमेंट आते हैं, ठीक है दोस्तों। और कह रहे जिसमें से दो एलिमेंट मुझे गिवन है ए क्रॉस ए के, वो क्या है, माइनस वन जीरो और जीरो वन, पीछे कितने के सात एलिमेंट रह गए, वो मुझे नहीं पता, एक तो मुझे वो सात एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं कौन कौन से हैं, और दूसरा मुझे सेट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर आप सोचें उसने ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट दिए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट दिए, नौ एलिमेंट दिए हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने होंगे, तीन, ठीक है। तो मुझे क्योंकि ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना है, तभी तीन क्रॉस तीन करूँगा, तभी मेरे पास नौ आएगा, ये तो शोर है भी ए में तीन एलिमेंट रहे होंगे। अब जब मैं ए क्रॉस ए की ए के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट एलिमेंट भी एक होता है और सेकंड एलिमेंट, दोनों एलिमेंट क्या होते हैं, एक ही होते हैं, ठीक है। तो हाँ जी, तो एक एलिमेंट क्या क्या आ गए, ये सारे एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट हैं, रेपिटेशन नहीं करनी, बस इतने लिख दो, ये एक एलिमेंट है, ठीक है दोस्तों। आप इसकी इसी के साथ मल्टीप्लाई करके देखें, एक एलिमेंट और लिख देते हैं, माइनस वन जीरो और वन, ठीक है दोस्तों। मल्टीप्लाई करके देखें, जो कॉमन एलिमेंट रह गए, जो एलिमेंट रह गए वो भी लिख देते हैं, दो तो दे रखे हैं, हाँ जी, माइनस वन और माइनस वन, एक ये रहेगा, ठीक है दोस्तों, हाँ जी, माइनस वन की जीरो के साथ ये लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद माइनस वन की वन के साथ ये भी नहीं लिखा था, माइनस वन की वन के साथ, ठीक है, माइनस वन खत्म हो गया। अब जीरो, जीरो की माइनस वन के साथ ये रहता है मेरा पास एक, हाँ जी, जीरो की जीरो के साथ, ठीक है दोस्तों, एक ये रहता है मेरे पास, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जीरो की वन के साथ ये तो लिखा गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कह रहा है वन, वन और माइनस वन, यहाँ पे लिख देता हूँ, वन माइनस वन,
उसके बाद क्या है, 10, 10 लिखा कहीं? नहीं, 10 भी नहीं लिखा था मैंने, 10, ठीक है। उसके बाद क्या रह गया, 11, और ये भी नहीं लिखा था। आप काउंट कर लो, टोटल 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 9 एलिमेंट है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये समझा होगा। थैंक यू वेरी मच।